नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, बिल्कुल एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है ए टू जेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे 11, 12 दोनों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस जो होंगे तो आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा अच्छा सा डेटा मिल जाएगा। तो उन्हीं प्लेलिस्ट में आज एक नया वीडियो हम ऐड करने जा रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि बुक में आपको रूल्स लिखे तो होते हैं, बट वो ऐसे ऐसी लैंग्वेज होती है, ऊटपटांग सी लैंग्वेज की हम समझ ही नहीं पाते कि उस एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहा है। तो उसी लैंग्वेज को मैं सिंप्लीफाई करके ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। देखते हैं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि कितना लंबा वीडियो बनाना है क्या, बट ये रहेगा कि बहुत सारे पार्ट्स इसके रहेंगे। तो जैसे ए टू जेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फॉलो करते रहना वाली प्लेलिस्ट को, तो आपको सारी सारे वीडियोस में मिलते जाएंगे। तो चलो, अभी कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पहला पॉइंट। सो बच्चों, नोमेनक्लेचर का मतलब आपको पता है, नामकरण करना, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर किए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स लैब में बनाए जाते हैं, तो बट ऑब्वियसली उनके नाम लेना जरूरी है। उसको पहचानेंगे कैसे, उसको पुकारेंगे कैसे। आज के बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, तो ताकि वो बच्चे की पहचान उसके नाम से हो। तो सिमिलरली उस कंपाउंड की पहचान जो है वो उसके नाम से रहेगी। अभी नाम डिसाइड करने लगे, हमारे घर में मम्मी पापा होंगे, बुआ होंगी, वो नाम रख देती हैं, ठीक है, वो डिसाइड हो जाता है। बट यहाँ भी केमिस्ट्री में जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके नाम कैसे डिसाइड होते हैं, तो उनके नाम डिसाइड करने वाली एक संस्था है, कमिटी है, जो है आईयूपीएसी, दैट मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक साथ बैठ के वो पूरे नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी संस्था ने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, कहा कि भाई ये रूल फॉलो करेंगे तो हमें नामकरण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उन्हीं रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज पहले सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इस पहले रूल में हम लोग पहले समझेंगे कि तीन शब्द, ठीक है, तीन वर्ड्स हैं जिससे नोमेनक्लेचर की शुरुआत होती है, PWS। ओके, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ओके, अब PWS को आपको अगर दिमाग में बैठाना, तो आप ऐसे कह सकते हैं, देख पापा इज वर्किंग इन सिंगापुर, ठीक है, पापा इज वर्किंग इन सिंगापुर, तो PWS आ गया। या तो आप फेमस सर तो है, इन सबके फेवरेट ही हैं, ओके, आप ये भी लिख सकते हैं फिजिक्स वाला सर, ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा किसी और को निमोनिक याद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या बच्चों को वो ज्यादा इजी लगे। तो कुछ भी लाइक, ओके, आप अपने हिसाब से निमोनिक तैयार कर सकते हैं। तो पापा इज वर्किंग इन सिंगापुर, ठीक है, तो PWS। अब PWS से ही पूरा नोमेनक्लेचर जो है वो रेडी होता है। P stands for the prefix, ठीक है, prefix का मतलब क्या होता है भैया जी, तो prefix का मतलब होता है वो नाम जो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है, वो नाम जो जो पहले पहले लिखा जाता है, ओके। वर्ड रूट बीच में आ गया, ठीक है, और सफिक्स जो होता है वो पीछे, ओके, लास्ट लास्ट वर्ड, ओके। अब जैसे मैं आपको हल्का हल्का बता दूं तो आप उससे जरूर समझ जाएंगे। जैसे कि मैं लिख देती हूं यहां पर मिस्टर राहुल पटेल, ठीक है, मैंने ये चीज लिख दिया, ओके। अब यहां पर जो सबसे पहले मैंने लिखा है, ओके, मिस्टर, तो मिस्टर क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया प्रीफिक्स, ओके। राहुल उनका मेन नाम, ओके, वर्ड रूट जिनसे वो पहचाने जाते हैं या जिनसे हम उनको पुकारते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड रूट, और पटेल क्या हो गया उनका सफिक्स, क्या हो गया बेटा सफिक्स, पता चला, ठीक है। तो मिस्टर राहुल पटेल, तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम होगा, जैसे कि मैं बोलूं कि मिस्टर वरुण धवन, ठीक है, तो मिस्टर अगेन प्रीफिक्स वरुण, अब हम लोग क्या बोलते हैं, वरुण आया, लाइक वरुण की पिक्चर आई तो हम वरुण मेन नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनका वर्ड रूट, और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, धवन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो उनका हो गया सफिक्स। नाउ आई
होप कि आप क्लियर हो गए कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे लगाया जाता है। प्रीफिक्स आगे लगाया जाएगा, मेन वर्ड रूट रहेगा और फिर सफिक्स लगाया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखो प्रीफिक्स की एक्चुअली दो होते हैं, ठीक है। एक वन डिग्री होता है, एक टू डिग्री होता है। वन डिग्री इसका मतलब कि प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे वन डिग्री का मतलब है कि पहला जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस वो इसको दिया जाएगा और सेकंड प्रेफरेंस जो है वो इसको दिया जाएगा। अब क्या है आइए देख लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस में हम लोग चेन की टाइप देखेंगे, ठीक है, कि चेन कैसी है, ओपन चेन है या क्लोज चेन है। ओके, ओपन चेन होगा तो सिंपल, हमारे पास आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइक मिथ, ईथ, ओके, प्रोपेन, आगे बताऊंगी मैं वर्ड रूट के हिसाब से। ओके, तो बेसिकली ओपन चेन है कि क्लोज चेन है वो देखा जाएगा। अगर क्लोज चेन है, ठीक है, क्लोज चेन है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। आगे एग्जांपल दे रही हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप मीनिंग समझ लो क्या क्या है, ठीक है। तो याद करना, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चलो अब आपको मैंने एक कंपाउंड दे दिया, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। अगर ओपन चेन है तो नॉर्मल उनके नाम हो जाएगा, अगर क्लोज चेन है तो उनके नाम के आगे हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, याद करना साइक्लो, साइकिल। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रेफरेंस की। सेकंड प्रेफरेंस में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इसका मतलब वो होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आप समझो, ठीक है, वो इंसान जिसको छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे कि घर में आप दो भाई हैं, ओके, तो उसमें से लाइक एक एल्डर है, एक यंगर है। वो जो यंगर भाई होगा ना, ठीक है, छोटा बच्चा होगा ना घर का, उसको बोला जाएगा, अरे जा तो बेटा नमक ले गया, अरे बेटा जा तो ये कर गया, अरे बेटा जाके वो कर गया, अरे बेटा पानी पिला दे, अरे बेटा ये कर, मतलब उसको हजार काम बोलोगे, ठीक है, क्योंकि उसको वो इतना छोटा, लाइक छोटा होता है ना तो ऐसा होता है कि सारे सारे काम उसको दे दो, तो वो जो आलू चालू काम होते हैं ना, ठीक है, वो उसको दिया जाता है। तो याद करना कि सब्स्टिट्यूएंट इज नथिंग बट द घर का छोटा बच्चा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट इज नथिंग बट घर का छोटा बच्चा, ठीक है, जिसको छोटा समझ के हम लोग भाव तो नहीं देते हैं बट काम बहुत करवाते हैं। ओके, तो दैट इज घर का छोटा बच्चा। ओके, तो अब कितने हैं और उनके नाम क्या हैं, नोटबुक निकाल के रखिएगा, नोटबुक प्लीज ये सब कुछ चीजें लिखते जाइएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक अलग से बनाई दीजिए जो आपके 11, 12 दोनों में काम आएगी, ठीक है, ये आपका समझ लेना कि आपकी ऑर्गेनिक का बाइबल बनने वाला है, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप मेंटेन करना और वीडियो पॉज करके सारे सारे नोट्स जो है वो बनाते जाना, पॉइंट्स को जोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो जैसे CH3 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल। C2H5 आएगा तो क्या कहेंगे, इथाइल। NO2 आएगा तो नाइट्रो, और NO आएगा तो नाइट्रोसो। OR आएगा तो अल्कोसी, F फ्लोरो, I आयोडो, ब्री आर ब्रोमो, ठीक है, इस तरह के कुछ नाम है। Cl क्लोरिन कहते हैं वैसे, क्लोरो, NH2 अमीनो, ओके, ये N ट्रिपल बॉन्ड है, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायजो। OCH3 मिथॉक्सी, देखो सुनो मैं आपको लर्न करने का थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। देखो CH3 को हमने मिथाइल बोला था बेटा, ऊपर ऊपर, ओके, CH3 को हम लोगों ने मिथाइल बोला था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ गया तो इसके लिए ऑक्सीजन की जगह पे अपने क्या यूज कर लिया, ऑक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। OCH2H5 तो इथॉक्सी, ओके, अब अगर एक आपको पता है कीटोन ग्रुप है, ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जाएगा तो उसका नाम आप ऑक्सो लिखोगे या कीटो लिखोगे। CN साइनाइड होता है, ठीक है, साइनो या साइनो, ओके, CHO फॉर्माइल या तो अल्डो, और COOH दैट इज कार्बोक्सी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे ये डैश लगाया है, ठीक है, ये लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कार्बोक्सी पहले आएगा, बाकी का नाम बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके लिए वो सब चीजें ध्यान देना कि कहाँ पर डैश जो है वो लगाया जाता है। ओके, तो इसको सबसे पहले आप अच्छे से लिस्ट बनाओगे, ठीक है, एक टेबल बना दो पेन से, पेंसिल से और नोटबुक के अंदर, और एक तरफ लिखोगे कंपाउंड, ठीक है, उसका नाम, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बना दो, इस लिस्ट को लर्न करना। लर्न करने में लाइक तीन तीन लर्न करते करते तीन बार लिखोगे ना तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चले, क्लियर बेटा। ओके, अब आता है हमारे पास वर्ड रूट, ठीक है, तो प्रीफिक्स क्लियर हो गया, चलो अब आता है वर्ड रूट। अब भैया वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट मेन मूल नाम, ठीक है, मेरा नाम सपना, आपका नाम लाइक उसका नाम राहुल, आपका नाम रोहित, ठीक है, वंदना, लता, व्हाटएवर,
ठीक है। तो ये जो नाम पुकारते हैं आपके स्कूल में जो टीचर प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं नाम, ठीक है, दिया, तो ये जो नाम करते हैं दैट इज अ वर्ड रूट, ठीक है। तो मेन जो है वो वर्ड रूट। अब वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता है बेटा? वर्ड रूट डिपेंड करता है कार्बन एटम्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन एटम्स पे। अब बहुत सीधी सी बात है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर एक कार्बन है तो उसको आप क्या बोलोगे? मीथ। क्या बोलोगे? मीथ, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन है तो मीथ। अगर दो कार्बन हुए तो क्या लिखोगे बेटा? ईथ। अगर तीन कार्बन हुए तो क्या लिखोगे? प्रॉप। अगर चार कार्बन हुए तो क्या लिखोगे? ब्यूट। पांच कार्बन होंगे तो क्या लिख दोगे बेटा? पेंट। ओके, अगर छह कार्बन होते हैं तो क्या लिखोगे? हेग्स। सात कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? हेप्ट। ओके, चलो थोड़े से और करवा देती हूं। नाउ अगर आठ कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? ऑप्ट। ऑप्टेन पिज्जा बहुत चलता है आजकल, ठीक है। फिर नाइन होगा तो क्या लिखोगे? नॉन। दस कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? डेक। इलेवन कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? अनडेक। ओके, ट्वेल्व कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? डोडेक। थर्टीन कार्बन होंगे तो थर्टीन जितना तो आता भी नहीं है, छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ट्वेल्व तक याद करना, ठीक है। बाकी इतना तो आता भी नहीं, फिर खामा खा मैं आपको क्यों इतना परेशान करूं। सो ट्वेल्व तक बस समझ में आ गई, कार्बन के नाम लर्न हो गए, ठीक है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अब बेसिकली क्या है ना कि आपके आपके चैप्टर नंबर फोर साइंस में ये कुछ आया होगा, ठीक है, टेंथ स्टैंडर्ड में, तो उनमें आपको टीचर ने थोड़ा बहुत लर्न करवाया होगा, तो आपको मेरे ख्याल से छह सात तक तो लर्न होंगे, बाकी थोड़े से और लर्न कर लो, ऑप्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डोडेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट, क्लियर हुआ। प्रीफिक्स जो सबसे पहले लगाया जाता है, मिस्टर, मिस, मिसेस, ओके, मास्टर, ये जो भी होते हैं वो प्रीफिक्स में आते हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे प्रीफिक्स हैं, तो प्रीफिक्स के तौर पे उनके नाम हमें कैसे देखने हैं वो आ गया, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पोर्शन आ जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस चेन के अंदर, तो उस हिसाब से उसका नाम जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? सफिक्स की। किसकी बात करेंगे? सफिक्स की। अब सफिक्स में भी हमारे पास दो प्रेफरेंसेस आते हैं, ठीक है। एक प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग बॉन्ड टाइप को देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग? बॉन्ड टाइप को। बॉन्ड टाइप का मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। देखो तो बॉन्ड टाइप सबसे पहले अगर आपके सुनो अगर आपके कंपाउंड में बॉन्ड्स आते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपका पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? बॉन्ड टाइप को जाएगा, फिर किसको जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? इसके लिए मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कह रही हूँ, उसको सेकंड प्रेफरेंस कह रही हूँ। चलो बॉन्ड टाइप में हमारे पास अगर सिंगल सी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सी सी सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लगेगा? ए एन ई, और जनरल नेम क्या होता है? अल्केन, ठीक है। अल्क पीछे क्या आया? ए एन ई आया, अल्केन। ओके, जब डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो गया? ई एन ई, दैट इज अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या हो गया? वाई एन ई, दैट इज अल्काइन, ठीक है। सिंपल, क्लियर? ओके, याद कर लेते दोबारा से, अगर सिंगल बॉन्ड आया तो ए एन ई, अल्केन, अगर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? ई एन ई, अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखोगे बेटा आप? वाई एन ई, अल्काइन। ओके, चलो एग्जाम्पल दे दूं मैं, जैसे समझो एग्जाम्पल, यहां ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पर मैंने इस तरीके से रख दिया। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप ना देखो, सबसे पहले आप किस पे ध्यान दोगे बेटा? आप ध्यान दोगे वर्ड रूट पे। सबसे पहले क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है? देखो कितने कार्बन है बेटा? वन टू थ्री फोर, चार कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब कि ये नाम जो होगा वो ब्यूट से स्टार्ट होगा। चलो इतना तो क्लियर है। ओके, अब आपको सफिक्स में ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ओपन चेन है, प्रीफिक्स के लिए ओपन चेन है, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है।
क्लोज चेन होता तो हम लोग साइक्लोवैक्लो वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सफिक्स के अंदर, ठीक है, क्या बोला कि अगर डबल बॉन्ड आता है, अगर डबल बॉन्ड आता है तो क्या यूज करोगे, ई एन ई। डबल बॉन्ड आया, हाँ जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे, ई एन ई। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। क्या नाम हो गया बेटा, ब्यूटीन, ठीक है। अगर यहीं पर ही ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या लिख देते, ब्यूटाइन, ओके। और अगर सिंगल बॉन्ड होता, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम क्या लिख देते, ब्यूटेन। बात समझ आई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास चार कार्बन थे, हमने वो चार कार्बन देखे और उन चार कार्बन को हम लोगों ने देखा कि कितने बॉन्ड है, तो हमें दो बॉन्ड दिखे, तो हमने इसके ब्यूट के साथ क्या लगा दिया, इन लगा दिया। डन, क्लियर इतना। चलो आगे शुरू करते हैं हम लोग, क्या है भैया। सो आगे आपको बोला गया, इफ द पेरेंट कार्बन चेन कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन द नंबर इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये वाला, इसमें मैंने एक ही डबल बॉन्ड लगाया था, ठीक है, मैं ट्रिपल वाले को मिटा दूं, ओके। सो मैंने यहां पर एक ही डबल बॉन्ड लगाया था, समझो कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो जब दो डबल बॉन्ड आएंगे तो मतलब कि डाई, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो नाम होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बेटा, देखो जब आपके पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, जब आपके पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं, बट ये डबल बॉन्ड जो है वो कितने हैं, दो हैं, कंपाउंड में एक नहीं है, दो है, तो उसका नाम कैसे आ जाएगा, डाइन। क्या आ जाएगा, डाइन। तो अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है, अगर मुझे इसका नाम है तो मैं क्या लिखूंगी, ब्यूटा डाइन। क्या लिखूंगी बेटा मैं, ब्यूटा डाइन। बात समझ आई, ठीक है, लिखूंगा ब्यूटा डाइन। तो डाई क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड है, ओके, कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए ई एन ई लग गया तो डाइन आया। अच्छा, चार कार्बन है, इसके लिए क्या लग गया, ब्यूट। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो दैट इज ब्यूटा डाइन, ओके। नाउ एक और चीज बता दूं मैं खरे खरे, चलो फिर आपको। अब मैंने है ना, आप मे बी आपके में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप सोचोगे मैम ने ऐसा क्यों लिखा, मैम ऐसे भी वैसे ब्यूट डाइन भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये ब्यूट इन है, ठीक है, अगर दो हैं तो बीच में डाई लगा दो तो ब्यूट डाइन, इस तरीके से हो सकता है। बट मैम ने पीछे एक क्यों लगाया, ब्यूटा डाइन क्यों बोल रहे हैं, कुछ हो सकता है बच्चे जिनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो, तो मैं उन्हीं को भी बता दूं। देखो बेटा सुनो, मैंने ब्यूटा डाइन क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि हमारा जो वर्ड है ना वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ड, ड इज द कॉन्सोनेंट, ड इज द लाइक डी, ठीक है, डी इज द कॉन्सोनेंट। तो जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो आगे वर्ड क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। जब मैं ब्यूटीन लिख रही थी बेटा, जब मैं ब्यूटीन लिख रही थी तो ई, ई इज द वोवल, ई इज द वोवल, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ए नहीं लगाया। बात पकड़ में आई, अच्छे से पकड़ में आई, समझ आ रहा ना बेटा। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है बट आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, ठीक है। आप इस तरीके से रैंडमली कोई भी चीज नहीं लिख सकते हो। तो चलो मैं एक बार ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ नोट करके, ठीक है, आप भी अपने नोटबुक में ये चीज नोट डाउन कर लेना। मैं बहुत बारीकी वाली चीज बता रही हूँ, होंगे ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपको ये चीज बताएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में बताऊँ, ठीक है, ताकि आपकी एक माँ भी लूज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर यहाँ पे ए नहीं लिखते हो ना, उसमें भी आपको पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका नाम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग लिख रहे थे ब्यूटा डाइन, ठीक है, यहां तो इस तरीके से आ जाएगा पेंटा डाइन, हो सकता है पेंटा ट्राइन भी आए, अगर तीन बॉन्ड हो तो पेंटा ट्राइन, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब बेसिकली हम इन सब में ये एक्स्ट्रा ए लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा ए इज एडेड टू वर्ड रूट्स बिकॉज प्रीफिक्स मतलब कि डाई, ट्राई, टेट्रा, ओके, ये वाले स्टार्ट्स विथ, ओके, क्या होगा, स्टार्ट्स विथ
कॉन्सोनेंट, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा ए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? देखो आपको अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बनाने हो ना तो बना सकते हो। इसका मतलब नोट्स का मतलब है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है ना, ठीक है, आप खुद की लैंग्वेज में रखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आप खुद की हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, मराठी हो, जिस लैंग्वेज में आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं और आपकी वो मातृभाषा कोई भी हो, तो आप उसमें भी वो चीज़ लिख देना, ठीक है, कि हम लोग ब्यूट के बाद ए लगा रहे हैं, पेंट के बाद ए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो डाइन है, ट्राइन है, टेट्राइन है, वो डी टी टी ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए एज पर द रूल हमें आगे ए लगाना है। हम लोग, ठीक है, हम लोग ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन में हम लोग ए यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई एन ई के हिसाब से ई वॉवल है, तो इसके लिए आगे ए नहीं आएगा। बेटा मैं श्योर हूं, मैं तो श्योर हूँ आप क्लियर हो गए बेटा, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। प्लीज ये वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे चलूँ मैं इतना, तो अभी हम लोगों ने प्रीफिक्सेस क्लियर कर लिया, अभी हम लोगों ने वर्ड रूट क्लियर कर लिए, ठीक है। अच्छा, सफिक्स में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? प्राइमरी सफिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जो बॉन्ड टाइप पे डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, ये मेरे को ये कंप्लीट करना है, मैंने कंप्लीट नहीं किया, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लगाओगे? ट्राइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दो आ जाते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दो आ जाते हैं तो आप क्या लगा दोगे? डाई। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई नहीं यूज करते हैं, इसके लिए डाइन, ठीक है, और ये इसको हम अल्का डाइन बोलेंगे, ओके। और अगर ट्रिपल बॉन्ड तीन आ जाते तो आप क्या लिखोगे? ट्राइन, ठीक है, आइन इज द ट्रिपल बॉन्ड, तीन आ गए तो ट्राइन, इस तरीके से, डन। उससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है, इतना ही आता है। टेट्रा, ठीक है, होगा तो देख लेंगे, टेट्रा वर्ड यूज कर लेना, बाकी इतना नहीं होता। चलो, सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स में हम सेकेंडरा, मतलब सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या है कि हम सेकंड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को। अब फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, हम अल्कोहल आएगा तो OH लगा दिया, ठीक है, एल्डिहाइड आएगा तो CHO को एल्डिहाइड कहेंगे, उसका नाम क्या होगा? आल, ठीक है, नाम के पीछे वहां पे ओल लगाएंगे फॉर द एल्कोहल, एल्डिहाइड के लिए आल लगाएंगे, कीटोन के लिए ONE, ओन, ठीक है, वन नहीं, ओन, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथ्स में इसको वन कहते हैं, केमिस्ट्री अपने ही मिजाज का है, उसको ये ओन कहता है, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक, ओए ओइक, ओए ओए याद करना, ओइक एसिड, ठीक है। एसिड क्लोराइड को ऑयल क्लोराइड, ऑयल ऑयल तेल तेल मालिश, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। अमाइड, अमाइड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, साथ साथ में ये नाम भी याद करते जाइए भैया, COOH, COCl, ठीक है, अमाइड में CONH2, ईस्टर ग्रुप ओइट, ईस्टर ग्रुप ओइट, ठीक है, COOR, आर स्टैंड फॉर द अल्काइल, ठीक है, आर स्टैंड फॉर द अल्काइल ग्रुप, भूलना मत, अल्काइल ग्रुप मतलब कि जैसे कि CH3 मिथाइल आ गया, ओके, C2H5 इथाइल आ गया, C3H6, ओके, ब्यूटा प्रोपाइल आ गया, ओके, फिर आता है नाइट्राइल, CN, नाइट्राइल का नाइट्राइल, अमाइन, NH2, अमाइन, ओके। अब बच्चे अमाइड और अमाइन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज बेटा ध्यान से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये क्या हुआ? अमाइड। ये क्या हुआ? अमाइन, अमाइड और अमाइन, ठीक है डियर, समझ में आ गया अच्छे से, सब कुछ क्लियर, ओके। सो बच्चा जी, यहां पर हम लोगों ने पॉइंट्स क्लियर कर लिए, प्रीफिक्स क्या होता है समझ गए, वर्ड रूट कितने कार्बन पे क्या नाम देना है वो समझ गए, सफिक्स समझ गए। सफिक्स में भी दो प्रेफरेंस आएंगे हमारे पास, एक प्रेफरेंस आएगा जब हम पहले बॉन्ड को देखेंगे, दूसरा प्रेफरेंस हम लोग फंक्शन ग्रुप को देखेंगे। अगर बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप दोनों है तो पहले बॉन्ड पे ध्यान जाएगा, फंक्शन ग्रुप में नहीं। अगर फंक्शन ग्रुप है और बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है तो कोई टेंशन नहीं है, फंक्शन ग्रुप नहीं है सिर्फ बॉन्ड है तो अगेन सिर्फ बॉन्ड पे ध्यान जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो भी हमने इतना सब किया उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल्स किए तो ये चीजें हजम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, एग्जांपल्स लिखते जा रहे हैं और डिस्कस करते जा रहे हैं। सो बच्चों, अब कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर अरेंजमेंट, ठीक है, क्या है? सबसे पहले
सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स मतलब कि बॉन्ड टाइप, प्राइमरी सफिक्स मतलब कि बॉन्ड टाइप, ठीक है। ओके प्लस, अच्छा मैं यहां पे लिख दूं प्लस, फिर हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप। डन, क्लियर। तो बच्चों करें शुरू एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल्स को लेकर कि क्या क्या चीजें हैं और हम लोग अपने भी सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर करके क्लियर करते जा रहे हैं। आपको चेन तो याद हो गई, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। चलो कोई टेंशन नहीं है, स्टार्ट कर लेते हैं अभी हम लोग एग्जाम्पल्स की यात्रा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देती हूं, CH3, CH, CH2, OH, CH3, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो अब सबसे पहले आपको क्या देखना होता है बेटा, सबसे पहले आपको देखना होता है चेन, ठीक है, कि ये चेन ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। प्रीफिक्स याद है ना, ठीक है, ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, पर ये तो ओपन चेन दिख रही है, ठीक है, साफ साफ। क्लोज मतलब कि यूं, जैसे कैसे यूं ट्रायंगल बन जाए, ऐसे स्क्वायर बन जाए, उसको हम क्लोज चेन कहते हैं। तो ये तो सीधी सीधी चेन है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओपन चेन। अब ओपन चेन डिसाइड हो गई, अब आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या पहचानना है बेटा, आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, वर्ड रूट। क्या पहचानना है, वर्ड रूट। तो देखो वर्ड रूट में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वाली चेन लेते हैं। देखो ये हो गई हमारी स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट। अब कितने कार्बन मौजूद है बेटा, कितने कार्बन है, देखो ये एक हुआ, ये दो हो गया और ये तीन हो गए, ठीक है, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप। वर्ड रूट क्या हो गया, प्रॉप। चलो ये क्लियर हो गया। देखो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको एग्जाम में से लिखने आने की जरूरत नहीं है, बट डिटेल में इसके ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो, फिर तो आप लाइक जब आप इसमें अच्छे हो जाओगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, प्रीफिक्स। क्या डिसाइड करेंगे हम लोग बेटा, प्रीफिक्स। ओके, अब प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास क्या था बेटा, प्रीफिक्स हमारे पास दो था, ठीक है, एक तो था हमारे पास चेन डिसाइड करो, तो चेन हमारी ओपन चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा प्रीफिक्स जो हमने प्रेफरेंस दिया था वो किस पे दिया था बेटा हम लोगों ने, तो वो क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, याद है सब्स्टिट्यूएंट, मैंने कहा था बच्चे वाली सारी चीज, ठीक है, तो घर के छोटे मोटे बच्चे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स। अब हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स क्या है। देखो बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन में, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जब भी आप कोई चेन डिसाइड कर, वर्ड डिसाइड करो, उसके ऊपर नीचे, ठीक है, कोई और ब्रांच लगा होता है ना, वो हमारे प्रीफिक्स बन जाते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास ये पूरी लंबी चेन है बेटा, ठीक है, ये पूरी आपके पास लंबी चेन है, ये लंबी चेन के ऊपर और नीचे, ठीक है, कुछ और अगर ब्रांच जुड़ जाती है, ठीक है, कुछ और अगर ब्रांच जुड़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये जुड़ गया ना बेटा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। अब ये CH3 आया, CH3 मैंने कहा था नोट डाउन करना। अब आप लिस्ट देखो CH3 में हमने क्या नाम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली हमने क्या नाम लिखा है, मिथाइल, ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब कार्बन्स को हमें नंबरिंग करना है, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, तो नंबरिंग हम करेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होगा वहां से। तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, तो इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया और ये कार्बन 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो चलो हमें वर्ड रूट क्लियर हो गया, हमें प्रीफिक्स क्लियर हो गया, अभी हम बात करते हैं सफिक्स की। अब सफिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी। प्राइमरी हम किस पे डिसाइड कर रहे थे बेटा, बॉन्ड टाइप। प्राइमरी मतलब बॉन्ड टाइप, कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या लगेगा, ANE लगेगा, क्या लगेगा, ANE लगेगा। फिर हम बात करेंगे, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे अगेन सफिक्स की, बट कैसा रहेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी हम किसको देख रहे थे बेटा, सेकेंडरी हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है बेटा, OH। OH का नाम मैंने क्या बताया था, देखो देखो ये रहा OH, क्या नाम है इसका, ओल। क्या नाम है इसका, ओल, अल्कोहल में ओल, ठीक है।
तो क्या आएगा इसके अंदर, ओल आ जाएगा। चलो अब हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या आ रहा है बेटा, प्रीफिक्स क्या आ रहा है बेटा, मिथाइल। अब आपको किस नंबर पे वो पोजीशन होंगे ना उसके साथ लिखना होता है, ठीक है, जिस नंबर पोजीशन होता है उसके साथ लिखना होता है। तो मिथाइल तो मैं लिख देती हूँ, ये हो गया मिथाइल। किस नंबर पे मिथाइल बेटा, सेकंड कार्बन पे है, तो मैं क्या लिखूंगी, टू। अब कैसे लिखोगे, टू और फिर क्या लगाओगे, हाइफन। क्या लगाओगे, हाइफन। तो नंबर लिखने के बाद आपको हाइफन लगाना होता है, ठीक है, टू हाइफन मिथाइल। चलो तो क्या कह रहा है आपको, प्रीफिक्स लिखना है। चलो प्रीफिक्स हो गया, अब क्या बोल रहा है, वर्ड रूट लिख दो। तो चलो वर्ड रूट क्या है हमारा, प्रोप। वर्ड रूट क्या है हमारा, प्रोप। तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो हमारा प्राइमरी सफिक्स आ गया एन ई। फिर क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है, ओल। ओएच का क्या लगाना है, ओल। तो अब देखो बेटा, यहां पर ओ एल, ओके, ओ इज द वोवेल, ए ई आई ओ यू वोवेल हुआ, ठीक है, वोवेल हुआ। इसके लिए वोवेल हुआ, इसके लिए प्रोपेन का ई जो है वो चला जाएगा, प्रोपेन का ई जो है वो चला जाएगा। तो प्रोपेन वन, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन पे है ना, ओल्ड, ओके, इस तरीके से आएगा। तो नाम आपका ऐसे लिखा जाता है, जब भी आप नंबर लिखोगे क्या लिखोगे आप, साथ में आप इसको हाइफन लगा दोगे। क्लियर हुआ। चलो अब इसके लिए हम लोग कुछ चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ चीजें नोट डाउन करोगे। सबसे पहली चीज, प्रीफिक्स के आगे उसका पोजीशन नंबर लिखा जाता है, पोजीशन नंबर, ओके, लिखा जाता है। जैसे हमने मिथाइल लिखा, तो मिथाइल के सामने क्या लिख दिया, टू, और साथ में क्या लगा दिया, हाइफन, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या लगा देंगे, हाइफन। ओके, सेकंड क्या होगा, सेकंड ये है कि अगर इफ जो हमारा सफिक्स है, कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, यहां पे सिंपल सिंपल शब्दों में लिखूं, रुको, इफ नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम मतलब जो हम लगाएंगे, ऑल आल ये वाला, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स वोवल, वोवल्स इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में अगर वोवल्स आते हैं, देन ई विल नॉट बी रिटन विथ वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट के साथ हम लोग ई नहीं लिखेंगे। ओके, प्रोपेन था ना, ओके, तो इसके लिए प्रोपेन आया, पर पीछे देखो प्रोपेन था तो हमने ई को हटा दिया, ठीक है, ई को हटा दिया हम लोगों ने। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब आता है थर्ड रूल, ठीक है, क्या आता है बेटा, थर्ड रूल। सो थर्ड रूल आपसे क्या कहता है, थर्ड रूल आपसे ये कह रहा है कि जो फंक्शन ग्रुप है ना उसका पोजीशन लिखना पड़ता है। ओके, यूज नंबर बिफोर फंक्शनल ग्रुप विथ हाइफन, ठीक है, हाइफन के साथ, विथ हाइफन। पॉइंट्स क्लियर हुई। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा, ठीक है, बट मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। मुझे पता है कि जो बच्चा ये वीडियो देखेगा ना, ये तो कमेंट करेगा थैंक यू, और दूसरा ये होगा कि उसको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, मैं इतना आपको श्योरिटी दे रही हूँ। सो हम लोगों ने क्या देखा, वर्ड रूट देखा, प्रीफिक्स देखा, सफिक्स देखा, ठीक है, सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे से। अब हम लोग एग्जांपल फटाफट करते जा रहे हैं, और मैं अभी इस तरह वर्ड रूट प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लिखूंगी, ठीक है, अभी हम बोलेंगे और लिखेंगे। चलिए, सो आ जाओ मेरे बच्चों, नंबर टू, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये ओपन चेन है, क्लोज चेन है। अब आपको साफ साफ सीधी सीधी दिख रही है, तो ये हो गया आपका ओपन चेन। आइए पहले हम इसको ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गई ब्लॉक।
इतना क्लियर हो गया। चलो अब हमें नंबरिंग शुरू करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले पहले हम लोगों ने ब्लॉक कर लिया लंबी चेन को, फिर हम करेंगे अभी नंबरिंग स्टार्ट। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो ये हो गया आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना क्लियर हो गया। चलो अब मेरे को बताओ बेटा, टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। इतना क्लियर ओके। अब दूसरी बात, नंबर 1 पे क्या आ जा रहा है हमारे पास, COOH, मतलब ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक आ गया ओइक एसिड। चलो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स की बेटा, प्रीफिक्स की बात करें हम लोग, तो मैंने आपसे कहा था कि लंबी चेन के बाद आपको जो ऊपर नीचे ब्रांचेस नजर आए वो हमारी क्या हो जाती है, प्रीफिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये ब्रांच नजर आ रही है और एक ये नजर आ रही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो एट फिफ्थ पोजीशन क्या है, क्लोरो। और ये आ गया फोर्थ पोजीशन, ठीक है, ये आ गया फोर्थ पोजीशन। तो एट क्या आ गया यहाँ पे, C2H5, मतलब कि इथाइल, क्या आ गया, इथाइल। चलो इतना क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग सफिक्स की, सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स में हमारे पास दो आते हैं, एक बॉन्ड टाइप आता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। चलो बॉन्ड टाइप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डबल बॉन्ड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखा, ठीक है, आपको ये और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपके पास एक है, सिर्फ एक ही है, एट टू, कहाँ पे दिख रहा है, टू पे। चलो और दूसरा आपको दिख रहा है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज COOH, मतलब कि ओइक। ओके सारे पॉइंट्स आ गए, चलो नाम लिखना शुरू कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। ओके अब प्रीफिक्स आपके पास दो हैं, एक फाइव पोजीशन पे है क्लोरो, एक फोर्थ पोजीशन पे है इथाइल। कैसे लिखेंगे, याद करना, हमेशा लिखोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। प्रीफिक्सेस जब एक से ज्यादा हो तो आपको क्या यूज करना है बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना है। क्या यूज करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर ए बी सी, सी सबसे पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे, 5 क्लोरो, ओके 4 इथाइल, 5 क्लोरो, ठीक है, फिर 4 इथाइल। ओके अब प्रीफिक्स क्लियर हो गया, अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है बेटा, हेक्स, ओके हेक्स, ओके डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो हेक्स सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, ई एन ई, क्या लिखते हैं, ई एन ई, याद है ना, डबल को ई एन ई, ट्रिपल को वाई एन ई, सिंगल को ए एन ई, ओके। तो हेक्स 2-ene, मतलब कि हेक्सीन है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आया है, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सफिक्स। चलो सफिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड तो क्लियर हो गया, ओके क्या आया, फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे, ओइक, किस नंबर पे है बेटा ये, किस कार्बन के साथ अटैच है ये, फर्स्ट कार्बन के साथ, क्या लिखेंगे, 1, फिर ओइक, क्या लिखेंगे, 1, फिर ओइक, ओइक एसिड, सॉरी, डन। अब समझ आया कैसे करना है, बच्चा क्लियर हुआ, ठीक है, अब मजा आ रहा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा हम और फास्ट करते हैं, आइए भी लिख देते थर्ड नंबर। सो बच्चों देखो ये मैंने आपको दिया हुआ है थर्ड नंबर। अब सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। अच्छा अब ये चेन कैसे, पहले तो बता दो, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है नहीं, ये है आपके पास पूरा सर्कल में चेन, मतलब साइकिल, क्लोज चेन हो गई, ठीक है। और क्लोज चेन मैंने बताया था, क्लोज चेन में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। तो चलो अब देखते कैसे यूज करना है। अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गया OH, हाँ दिख गया, तो चलो यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है। ओके सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे सवाल पूछना चाहेंगे कि मैम हम नंबरिंग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो नंबरिंग करने के दौरान आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपका जो प्रीफिक्स है, नाउ यू नो दैट CH3 इज नथिंग बट द प्रीफिक्स, क्यों, क्योंकि ये पूरी चेन के बाहर निकला हुआ है, ये पूरी चेन के बाहर है। अब जैसे ही कोई नंबर, कोई भी ग्रुप बाहर होता है वो प्रीफिक्स बन जाता है, ठीक है, वो प्रीफिक्स बन जाता है, तो ये प्रीफिक्स है। अब आपको ये ध्यान देना है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स सबसे पहले किस तरीके से आएगा, ठीक है।
अगर मैं व्हाइट वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है, अगर मैं वहां से शुरू करती हूँ व्हाइट वाली पेन, तो प्रीफिक्स आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, और ब्लू वाली नंबर का देखो तो ब्लू में प्रीफिक्स आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो जहां पे जल्दी से आएगा ना आपको वहां से नंबरिंग शुरू करना, मतलब आपको उस तरह की नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए व्हाइट वाली नहीं करेंगे हम लोग, क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए व्हाइट वाली मिटा देती हूँ, मिट जा भैया, ओके, ठीक है। तो इसके लिए व्हाइट वाली मैंने मिटा दी है, तो आपके पास अभी से ब्लू वाली रही, क्लियर हो गया ना। तो आपको नंबरिंग वैसे करनी है जहां से प्रीफिक्स जो है वो बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है, जल्दी इसका पोजीशन आ जाए। चलो तो ये क्लियर हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा OH है, मतलब ओल आ गया। टोटल कितने कार्बन है बेटा, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन जा रहे हैं। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स, ओके। प्रीफिक्स क्या होगा, देखो अब प्रीफिक्स में सबसे पहले तो ये पूरा साइकिल है, इसके लिए क्या जाएगा, साइक्लोवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो मिथाइल है, तो CH3 इज द मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आ रहा है एट थर्ड पोजीशन, एट 3। चलो ये हो गया। सफिक्स देख लेते हैं हम लोग, सफिक्स में हमारे पास बॉन्ड टाइप आना चाहिए, बॉन्ड तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एक तो ANE आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, तो OH है, OH के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओल। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, चलो अभी नाम लिख देते हैं हम लोग फटाफट से। तो इसका नाम हमारा बनेगा, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, मिथाइल इथाइल वाला जो है ना उसको पहले प्रेफरेंस देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 मिथाइल, क्लियर। फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया सब्स्टिट्यूएंट वाला, अब सेकंड प्रेफरेंस किसको हम देंगे साइक्लो को, ठीक है। तो ये आ गया साइक्लो, ओके। फिर आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बेटा, हेक्स। चलो फिर आ गया हमारे पास हेक्स, साइक्लो हेक्स, ओके। अब यहां पर क्या आना चाहिए सफिक्स में, ANE, साइक्लो हेक्स AN, ओके। अब ई नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि यहां पे ओल आया है, ओ स्टैंड्स फॉर वोवेल, मैंने रूल बताया ना, ठीक है। और ये किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके लिए 1 ओल, ओके। डन बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। रूल्स अच्छे लिखते जाओगे, मैंने हर एक रूल आपको बताया, ऐसा कोई रूल मैंने नहीं बताया जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने क्लियर की है। चलो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आई बच्चों अभी देखते हैं फोर्थ वाला। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड रूट देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट के लिए हमें जो ये लंबी चेन दिख रही है उसको हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, ओके। कितने कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन है, तो चलो वर्ड रूट क्लियर हो गया, ब्यूट होगा, ओके। अब हम करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, नंबरिंग शुरू करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा OH, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, चलो इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग डिसाइड करेंगे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स आपके पास 2 मिल रहा है, मैं अभी लिखूंगी नहीं है, अभी वर्बली करेंगे हम लोग। एक आपको ये मिल रहा है NH2, और एक आपको ये मिल रहा है CH3, ठीक है। एक सेकंड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे। अब NH2 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, NH2 को हम लोग कहते हैं अमाइन, क्या कहते हैं, अमाइन। और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो हमें जब दो प्रीफिक्सेस हो, मतलब जो दो प्रीफिक्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, अमाइन वाला पहले लिखेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं अभी लिखना। तो सबसे पहले अमाइन किस पे आया, थर्ड नंबर पे आया, तो क्या लिखेंगे, 3 अमाइन, 2 मिथाइल, ओके, क्लियर हो गया। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे अपना, 4 है, मतलब ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए ब्यूटेन, ओके। एंड तक लिखेंगे, अब देखते हैं क्या है हमारे पास, OH आया, मतलब कि एल्कोहल, ओल, ओल है, तो ये स्टार्ट हुआ वोवेल से, इसके लिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और ई नहीं लगाएंगे, सिंपल ये आ गया, देखा। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, वर्ड रूट ये कुछ बताया नहीं, डायरेक्टली हमने कर लिया। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। सो बच्चों फिफ्थ नंबर आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्ट्रेट चेन है कि क्लोज चेन है, स्ट्रेट है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी सी चेन वर्ड रूट के लिए पहले डिसाइड कर लेंगे। तो देखो ये वाली तुम्हारी आ गई चेन, ओके। अब हम शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप,
देखो फंक्शन रूम में आपने जब वो लिखा है तो उसमें आपके पास होगा सी एन, तो सी एन से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर। ओके, तो वर्ड रूट क्लियर हो गया, चार आ रहे हैं हमारे ब्यूट। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्रीफिक्स से। अब प्रीफिक्स आपके पास दो आ रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स आपके पास दो हैं यहाँ पर। एक प्रीफिक्स ये हो गया जिसको हम कहेंगे मिथाइल, और एक प्रीफिक्स ये आ गया जिसको हम कहेंगे अमाइन। ठीक है, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर से शुरू करना होता है तो पहले अमाइन आएगा, तो चलो शुरू कर लेते नाम लिखना। टू अमाइन, थ्री मिथाइल, चार तक जा रहे हैं, ब्यूटेन, अभी ई नहीं लिख रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा सी एन, सी एन को हम क्या बोलते हैं नाइट्राइल, फर्स्ट नंबर पे आया ना, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे नाइट्राइल आया। एन क्या है, एन तो कॉन्सोनेंट होता है ना, तो हम लोग पीछे ई लगाएंगे। क्लियर, आया समझ में, अब मजा आ रहा है, चलो एक और कर लेते हैं। सब बच्चों आओ देखते हैं सिक्स नंबर क्या है। अब सिक्स नंबर सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्या, वर्ड रूट। ओके, वर्ड चेन। ओके, तो सीधी 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 चेन हमें दिख रही है, ये वाली, सॉरी ये मुझे स्ट्रेट चेन दिख गई यहाँ पर। ओके, चलो अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम शुरू करते हैं कहाँ से बेटा, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखो ना तो कहाँ पे है, अब बोलोगे मैम ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ब्रांच बन रहा है। ठीक है, OH जो है वो यहाँ पे ब्रांच के तौर पे, तो ये प्रीफिक्स की तरह कहलाएगा, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं जाएगा। बात समझ में आई, देखो अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ, सुनना, देखो बेटा ये रहा, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास OH था, अभी तक हम उसको यूज़ कर रहे थे, बट मैंने आपको प्रीफिक्स में भी लिखवाया था, कहाँ गया प्रीफिक्स, आइए देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है OH क्या है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, OH क्या है, हाइड्रोक्सी, मतलब ये जो है वो प्रीफिक्स में भी यूज हो रहा है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, मतलब रुको, जैसे ये रहा हमारे पास, ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम OH भी है और CN भी है, तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप किसको चूज करेंगे, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप CN को चूज करेंगे, क्योंकि कार्बन के साथ वो सीधा अटैच्ड है। दूसरी बात, इसकी एक सीरीज आती है, ठीक है, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस किसको देना है, ठीक है, वो हमें देखना होता है। देखो बेटा, सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर आप दोगे ईस्टर ग्रुप को, ठीक है, फिर थर्ड आपके पास आएगा एसिड क्लोराइड, देन फोर्थ आपके पास रहेगा इसके अंदर अमाइड, फिफ्थ आपके पास रहेगा नाइट्राइल, सिक्स आपके पास रहेगा एल्डिहाइड, सेवन कीटोन, एट एल्कोहल, ठीक है, और नाइन अमाइन। क्लियर हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस देने हैं। सो बेटा, अभी जो हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं उसमें आपको एक तो OH दिया हुआ है, दूसरा सी डबल बॉन्ड O, ओके, कीटोन दिया हुआ है, तो चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग, कीटोन जो है वो सेवन नंबर पे है, OH जो है वो एट नंबर पे है, इसके लिए हम लोग कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और OH हमारा फिर हो जाएगा प्रीफिक्स वाला। ठीक है, तो हम लोग फिर वो वाला नाम यूज कर लेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी। आइए अब देख लेते हैं कैसे करना है इसको, मैं इसके लिए कह रहा हूँ आगे सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करते जाना। तो चलिए नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है यहाँ पे, वो ये है कि हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा जो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग सी, जैसे बीच में ये आया तो उसमें हम लोग सी को चेन में ही काउंट कर लेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, वन टू, ठीक है, थ्री फोर फाइव। अब बोलोगे मैम हम लोग नीचे से भी शुरू कर सकते थे, हमें नीचे मतलब कि हम लोग आगे से भी शुरू कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे, वन टू थ्री फोर फाइव। अगेन मेरा आंसर वही होगा, नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक में किस नंबर पे आएगा, आपको वो वाला साइड स्टार्ट करना होगा। ठीक है, मुझे पिंक वाला देखो तो पिंक नंबर में टू पे आ रहा है, और येलो वाला देखो तो नंबर फोर पे आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पिंक वाला यूज करेंगे, येलो वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, तो चलो येलो वाले मिटा देते वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने पिंक वाले से किया। ओके, चलिए अब सीधा नेमिंग शुरू कर ले बेटा, आई होप अब इतना क्लियर हो गया। अब नेमिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपके पास दो आ रहे हैं, एक आ रहा है आपके पास OH जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी,
और एक आपके पास आ रहा है CSC, जिसको हम कहेंगे मिथाइल। चलो ABCD बोलो बोलो, सबसे पहले कौन आता है? ABCDEFGH, मतलब पहले पहले H आ रहा है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले हमें H लिखना है। H किस नंबर पे बेटा? 3 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3-hydroxy। ओके, अब आप बोलोगे मैम ऊपर देखो, ऊपर ऊपर भी एक और आप छूट आपने छोड़ दिया है उसको, ठीक है, क्या छोड़ दिया? ये वाला, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि दो मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे अटैच्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? 4-4, एक ही नंबर पे दो बार है, 4-4, दो को हम क्या लिखते हैं? डाई, तो क्या लिखेंगे? 4-4-dimethyl। बात समझ आई? ठीक है, 4-4-dimethyl। ओके, अब कंप्लीट 5 नंबर की चेन है, तो क्या लिखेंगे? पेंट, एक ही बॉन्ड है इसके लिए पेंटेन। अब ई लिखना नहीं लिखना वो डिपेंड करता है हमारे कीटोन ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब ये आया हमारा फंक्शनल ग्रुप, किस नंबर पे है भैया? 2nd नंबर पे है। क्या लिखते हैं हम इसको? O N E, O इज अ वॉवल, इसके लिए यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, ई नहीं लिखेंगे। क्लियर, नाम समझ में आ गया? तो नाम क्या आया? 3-hydroxy-4-4-dimethyl पेंट टू ओन। ओके, एक आध और एग्जाम्पल कर ले। आइए बेटा देखते हैं अभी 7th नंबर। सबसे पहले हम लोग चेन ढूंढेंगे, ये वाली हमारी होगी वर्ड रूट वाली कंप्लीट चेन, ठीक है। सी आया है ना यहाँ पे, तो सी को काउंट करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबरिंग करना। आइए कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब आप देखोगे कि आपके पास एक ही डंडी आ रही है बाहर की तरफ, आपके पास एक ही डंडी है, मतलब कि आपको प्रीफिक्स ही एक ही है। चलो बहुत ईजी है, तो बस शुरू करें, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्रीफिक्स 3rd नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 3-chloro प्रीफिक्स क्लियर हो गया। अब आएगा हमारे पास वर्ड रूट, 5th नंबर तक है, तो क्या आएगा? पेंटेन, सिंगल बॉन्ड इसके लिए 10 तक। अब ई नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है पीछे की तरफ। अब पीछे वाला जो है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? अमाइट, ठीक है। किस नंबर पे आया है? 1 नंबर पे आया है अमाइट। अब ए इज अ वॉवल, इसके लिए यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, ठीक है, ई नहीं लगाओगे, डन, क्लियर। तो मैं ई अभी मिटा देती हूँ, मैंने लगा के काटा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलो एक और कर लेते हैं। आई बेटा देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रूल्स भी बताया तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे इतना थक जाते हो, ठीक है। तो अभी इसको हम फिनिश करते हैं, आगे और भी मैंने कहा सीरीज आने वाली है, टेंशन मत लेना। तो चलो सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट के लिए चेन डिसाइड कर लेते हैं। ये रही मेरी कंप्लीट चेन। ओके, कार्बन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपके पास OH है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। ओके, 3 पे ये आया अमीनो और 2 पे आया मिथाइल। अब प्रीफिक्स स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर से, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3-amino-2-methyl, 4 है, तो इसके लिए ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 1-ol, क्योंकि OH आया इसके लिए ol, और ई नहीं लगाएंगे क्योंकि O इज द वॉवल, डन। कितना फटाफट हो गया है ना। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने इसकी कुछ प्रैक्टिस कर ली, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज रूल्स बनाते जाइएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करूँ मैं, साइक से रूल अच्छे लिखते जाइएगा और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना ये, और भी मैं कंप्लीट एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे लेके आऊंगी ताकि आपको बस क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर लेती हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड कर लेती हूँ, बट इसका आगे सीरीज जो है वो कंटिन्यू करूंगी, जिसमें मैं और भी बहुत सारे रूल्स बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको ये मुझे बताना है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करनी होती है, ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल वाली तो बहुत सिंपल है। ओके, तो मैंने बच्चे दिए हैं आपको, तो अब मुझे बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करोगे, दो फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे डिसाइड करोगे, बहुत सारी चीजें बतानी है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, वीडियो को लाइक करते करते अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, उनको भी हेल्प हो जाए, और मेरे साथ जुड़े रहना। जैसी वीडियो आए तो आप फटाफट से देख लेना उसको। सो चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।